हेलो एवरीवन, मैं विक किरण आप सभी का सफलता गुरु के मंच पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज दो बातें मैं आपसे करने आया हूं। बात नंबर एक कि आप सभी के लिए एक गिफ्ट है मेरी तरफ से, और वो ये है कि मैं आप लोगों के लिए ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के ऑनलाइन फ्री सेशन लेकर आने वाला हूँ, जहाँ सभी बच्चों को कम्प्लीट ज्योमेट्री की 35 से 40 क्लासेस मिलेंगे, जहाँ जितने भी कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के अंदर है, जितने भी बेहतर कॉन्सेप्ट जहाँ से क्वेश्चन रिसेंट में आ रहे हैं, चाहे वो 2022 की सीजीएल के प्री में हो, चाहे वो 2023 की सीजीएल के मेंस में हो, चाहे वो सीएचएसएल के प्री 2023 के अंदर हो, या फिर एमटीएस जो भी चल रहा है उसमें जितने भी बेहतर सवाल आ रहे हैं, साथ में सीडीएस के कुछ बेहतर सवाल, कुछ एनडीए में जो अच्छे अच्छे सवाल ज्योमेट्री के आए हैं जिनका लिंक एसएससी से है, उस सभी सवालों को हम कवर करेंगे। इसमें टीचिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस भी साथ में रखे जाएंगे। इसी के साथ साथ बच्चों, एक और जो सेकंड गिफ्ट आपके लिए, जो गिफ्ट ना कहकर एक खुशखबरी कह सकते हैं कि मेरा भी चयन हो चुका है अब एक्साइज इंस्पेक्टर में, कस्टम्स के अंदर। हालांकि पहले भी हुआ था, बट ये जॉब मेरे को पहली बार मिली है जीवन में, जो मेरी ड्रीम जॉब में से एक थी। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल है कि सर आप कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, तो बेटा जितने बच्चों का कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, सभी का, एक एक बच्चे का, सबका कोर्स खत्म होगा ईमानदारी के साथ, और जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया गया था, जैसा हम करते आए हैं आज तक, हर एक बच्चे का ईमानदारी से कोर्स खत्म करवाया, वैसे इस बार भी होगा। साथ के साथ बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल था, सर हमारा कोर्स आधा तो नहीं रह जाएगा, सर एडवांस वाला पोर्शन भी करवा दो। तो कोई बात नहीं, एडवांस वाला पोर्शन भी मैं पूरा करवाऊंगा, जैसे अर्थमेटिक पूरा होगा वैसे ही एडवांस भी पूरा होगा, निश्चिंत रहें। साथ के साथ बच्चों कुछ बातें और कहना चाहूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे थे जो कह रहे थे सर सिलेक्शन के बारे में कुछ बताओ, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए, किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए। तो क्लास में अगर मैं बोलता तो बातें लिमिटेड बच्चों तक ही जाती। अब बात, क्योंकि मैं लाइव कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, तो शायद यूट्यूब के थ्रू हम अपनी रीच को बढ़ा सकें, शायद हर उस बच्चे तक बात पहुँच सके जो शायद दिल्ली आकर नहीं पढ़ सकता, चाहे वो बच्चा केरला में बैठा हो, बिहार में बैठा हो, उड़ीसा में, राजस्थान में, हरियाणा, यूपी, कहीं भी बैठा हो बच्चा, किसी भी स्थान में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, कहीं का भी बच्चा हो, बात सभी की कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जो आप कहते हैं कि सर गवर्नमेंट जॉब लेना आसान तो नहीं है, बट फिर भी इतनी आसानी से लोग कैसे ले लेते हैं, बेटा सबसे पहला गुण अगर मुझसे पर्सनली पूछो आप, तो जो मैंने फील किया जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो लोग बोलते हैं हार्डवर्क। हाँ हार्डवर्क ठीक है, हार्डवर्क एक हिस्सा है, लेकिन उससे भी बड़ी जो चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी, निरंतर प्रयास। अगर आप में वो नहीं है ना, तो आप आगे नहीं निकल सकते। आप 3 महीने लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद 1 महीने का गैप है, आपने हफ्ते भर लगातार पढ़ाई करी, फिर 2 दिन आप शादी में चले गए, ऐसे काम नहीं चलता है। पूरे भारत में लगभग जो आंकड़े मेरे सामने आए थे, पिछली बार 2022 वाले लूंगा, क्योंकि 2023 में तो अभी बड़े एग्जाम्स तो हुए नहीं है, होने बाकी हैं, जैसे जुलाई में सीजीएल है, उसके बाद सितंबर में एनडीए सीडीएस जैसे एग्जाम्स हैं, फिर जहां तक जो मेरा अंदाजा है कि टेट के पेपर के बाद डीसीएसबी की वैकेंसीज भी लॉन्च हो जाएगी, जो मई में होनी थी लेकिन किसी कारणों की वजह से वो नहीं हुई है लॉन्च, उनके एग्जाम भी बड़े बड़े आ जाएंगे। तो बात यह है कि एक तो कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में निरंतरता नहीं है ना, तो फिर आपके सारे एफर्ट जीरो हैं, बात नंबर एक। बात नंबर दो, कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, तो एक चीज होती है ईमानदारी, नियत। नियत कह लो, ईमानदारी कह लो, दोनों पर्यायवाची एक दूसरे के सिनोनिम कह सकते हैं इनको आप। ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप में ईमानदारी नहीं है, अच्छा ईमानदारी दूसरे लोगों से ही नहीं, सिर्फ ऐसे नहीं कि आपके समाज में ईमानदारी बरतो, हाँ वो तो बरतनी ही होती है, लेकिन साथ के साथ ईमानदार खुद के लिए भी होना बहुत जरूरी होता है। खुद को भी धोखे मत रखो ना। आपको पता है आपकी मैथ्स वीक है, आपको पता है आपकी रीजनिंग वीक है, इंग्लिश, जीके, जो भी सब्जेक्ट आपको लगता हो जो आपका वीक है, आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं, ये भी बेईमानी है। यहाँ बेईमानी आप अपने आप से कर रहे हो, अपने फादर के द्वारा दिए गए जो सपने आपके फादर ने देखे हैं, जो स्ट्रगल आपकी मदर ने किया है, जो आपके आसपास के लोगों ने जो आपकी बेहतरी के लिए सोचते हैं, चाहे वो दोस्त हों, परिवार वाले हों, उन्होंने जो सपने देखे हैं, उनके उनके सपनों के लिए भी ना लड़ना भी कहीं ना कहीं एक बेईमानी है मेरे एग्जाम्पल्स में। तो तीसरी अगर मैं बात करूं आपसे कि और क्या तीसरा एक गुण है, एक तीसरा गुण भी होना चाहिए आपके अंदर, जो मेरे अंदर तो बहुत है और आपके अंदर भी होना चाहिए, और वो है सहनशीलता, वो है पेशेंस। अगर आप में सब्र नहीं है, क्योंकि बात सिर्फ एसएससी के गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम की नहीं है,
बात लाइफ में बहुत बड़े बड़े एग्जाम आते हैं जहां भगवान आपके सब्र की, भगवान कह लो जो भी आप जो भी नाम लेते हैं उनको, जिसने धरती बनाई है कुछ भी कह सकते हो, सबके सबने अपने अपने तरीके से अपने अपने नाम दे रखे हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनके अंदर उनका भरोसा है, उनके उनका विश्वास है। तो सवाल यह है कि वो कभी कभार आपकी परीक्षा लेता है और बहुत जरूरी है ध्यान रखना, अगर आपको सफलता का बेहतर स्वाद चखना है ना तो आपको हारना, आपका हारना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है आपको हारना, तो मेरा मतलब यह कहने का कि आपको हारना तो चाहिए, एक आध बार गिरोगे नहीं, एक आध बार हारोगे नहीं, एक आध बार दुखी नहीं होगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, कहां सक्सेस का मजा है यार। आपने अपने पूरे जीवन काल में कभी ऐसा इंसान सुना है जिसने मेहनत खूब करी हो, खूब मेहनत करी, लगातार मेहनत करी और वो फेल हो गया? मैंने आज तक अपने जीवन में एक सिंगल इंसान नहीं देखा, बात नंबर एक। और दूसरा सच ये भी है, मैंने आज तक कोई ऐसा सफल इंसान देखा ही नहीं जिसने दुख ना देखे हो, जिसने स्ट्रगल ना किया हो, जो परेशान ना हुआ हो, जिसके पास मुश्किलें ना आई हो, ऐसा मैंने अपने जीवन पूरे जीवन काल में एक भी इंसान नहीं देखा। तो ये तीन गुण अपने अंदर लेकर आओ, अपनी कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता, ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी, और तीसरा जो मैंने आपको बताया वो है आपका पेशेंस यानी कि आपके अंदर सब्र। ये तीनों होना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों गुण आप अपने अंदर भर लेते हैं तो सफलता आराम से आपको मिल जाएगी। वो सफलता का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पाना ही नहीं है, जीवन में सच्चे सुख को प्राप्त करना भी है, जिसके अंदर घर में सुख शांति होना, अपने मेंटल पीस को मेंटेन रखना भी एक सफलता का ही एक एग्जाम्पल कह लो, उदाहरण कह लो, एक हिस्सा है। और रही बात एजुकेशन की बेटा, तो एजुकेशन आपके व्यवहार में झलकनी भी चाहिए ना। पता लगे आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन आप अपनी पावर का यूज कर रहे हैं लोगों को दबाने के लिए, अपनी पावर का, अपनी शक्तियों का, अपनी ताकत का आप यूज कर रहे हैं लोगों को नीचा दिखाने के लिए, उनको डिग्रेड करने के लिए, डिफेम करने के लिए। जैसे कुछ लोग मीटिंग्स करते हैं इंस्टीट्यूट्स में जाके, मीटिंग्स करके बोलते हैं कि विक्की सर का सिलेक्शन नहीं हुआ, जो भी है, चलो छोड़ो उन बातों को। तो आज मैं आपको बता दूं, ये मेरा रूल नंबर है, आप कुछ मैंने ये भी सुनने को मिला है तो मैं कर देता हूं, हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार स्वाभिमान के लिए, रीवेरिफिकेशन के लिए मैं अपना रोल नंबर लिख देता हूँ, 8374। ये मेरा रोल नंबर है बेटा पीजल 2022 का। जो पद मुझे मिला है वो सेंट्रल एक्साइज का मिला है, और ये उन लोगों के लिए ही लगभग, एक कारण ये भी था कि लोगों को बता दे कि हाँ भाई ये पूरी चीज़ें सच हैं, सेंट्रल एक्साइज, ठीक है। ये मेरा रोल नंबर है और विक्की कुमार के नाम से मेरा नाम है वहाँ पर, फादर नेम वीर सिंह है, और वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसको। तो सबसे अंत में आपसे यही कहूँगा बेटा कि खूब ईमानदारी से पढ़ें, लोग क्या बोलते हैं उनसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन समय आने पर देखो, हर किसी को ज़्यादा जवाब देने पर भरोसा मत रखो, हर किसी को जवाब देना ठीक नहीं है। कुछ लोगों को ना परिणाम से दिखाओ। वो कहते हैं ना कि एक बड़ी अच्छी शायरी कही है, मुझे नाम याद नहीं है उनका, उन्होंने कहा है कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, और वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, वो तुम्हारे सामने मजबूर होना चाहिए। यानी कि अगर लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार बार प्रूफ कर दिया, आप कितना प्रूफ करो? कहते थे नहीं हो पाएगा, आपकी बार करके दिखाओ, तुमने पिछली बार चलो छोड़ दिया था, आप करके दिखाओ, लो आपकी बार भी कर दिया भाई, और कहोगे तो अगली बार भी करूंगा। तो बात यही है कि यार लोग आएंगे जाएंगे, कहेंगे कुछ, सिंपल सी बात है, कुछ लोग आपके जीवन में संघर्ष का हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं, है ना, आपकी सफलताओं का हिस्सा बनना चाहते हैं। और मैं तो हमेशा कहूंगा कि परमानेंट चीजों के पीछे भागो, ये जो बरसाती मेंढक होते हैं उनके पीछे मत भागो, यानी कि जो ऐसी चीजें जो वेरिएबल हैं, जो लगातार चेंज होती हैं, उनके पीछे मत भागो, फिक्स चीजों के पीछे भागो। और फिक्स चीजें आपके पेरेंट्स, आपके सपने, आपके ड्रीम्स, आपके खुद की तरक्की के लिए दिया गया समय, आपके द्वारा, आपके एफर्ट के द्वारा अर्जित किए गए लोग, अच्छे लोग, सही लोग। और भगवान का शुक्र यह है कि मेरे पास जो लोग मुझे मिले हैं वो बड़े अच्छे मिले हैं, चाहे वो मेरे दोस्त हो, मेरा सोशल सर्कल हो, मेरा प्रोफेशनल सर्कल हो, या मेरी खुद पर्सनल फैमिली की बात करें तो मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं जीवन में। जैसे लोगों को तो बुरे मिलते हैं, मुझे अच्छे मिले हैं, सपोर्ट मुझे बहुत अच्छे लोगों का मिला है। और उनमें से किसी एक दो का नाम ले देना शायद बाकियों के लिए फिर इनजस्टिस हो जाएगा। तो मैं सबके, सबसे पहले सबका धन्यवाद भाई, उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया है मुझे, और फैमिली का तो धन्यवाद मैं हमेशा कहूँगा ही, उनका तो धन्यवाद का तो वर्ड ही बहुत छोटा पड़ जाएगा। उनको
ये बताने के लिए कि आपने मेरे लिए बहुत किया है, तो ये तो शब्द ही छोटे हैं, उनके लिए तो कोई शब्द बने ही नहीं है मेरे लिए। तो साथ के साथ एक और बात आपको ध्यान रखनी है जीवन में, एक और कुछ अंतिम शब्द मैं आपको बोल के जाऊंगा, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर, कि लगातार क्लासेस में आए, रेगुलर रहें, 5-6 महीने के 7 महीने की बात है, सब कुछ छोड़ दो, चाहे वो दोस्त की शादी हो, चाहे वो घूमना हो, चाहे वो मूवीज़ हो, चाहे वो कहीं भी जाना हो, घूमने फिरने कहीं भी आपको किसी फंक्शन में जाना हो, उन सबको थोड़े दिन के लिए छोड़ दो। और क्योंकि ये संघर्ष ही करना ही पड़ता है, आपको लगता है उसने तो नहीं किया, उसने तो नहीं किया, अरे भाई तुम्हें करना पड़ेगा। और सच में अगर आज ईमानदारी की बात करूं तो जो आज सुबह होती है ना, जो सुबह आज होती है वो सच में पहले नहीं हुआ करती थी, अब जो सुबह होती है मेरे लिए। तो मैं चाहूंगा कि अगली बार, जैसे इस बार भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ और अगली बार ये संख्या ज़्यादा हो, और तुम सभी के लिए, सिर्फ जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे उनके लिए नहीं है ये, उन सभी बच्चों के लिए जो लगातार देख रहे, लगातार स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस में क्यों आ रहे हो यार, पढ़ाई है, हिस्सा है, सबको करना है, तो मैं लगता है कि मैं ही क्यों परेशान हूँ, मैं ही ज़्यादा एफर्ट क्यों मारूँ, मुझ पर ही प्रेशर है। तुम अकेले नहीं हो ऐसे, जितने भी लोग अपने अपने जीवन में, सिर्फ तैयारी करने की बात नहीं कर रहा, जो वर्किंग है, जो अच्छा कमा रहे हैं, उन पर भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस के रूप बदलते हैं, स्ट्रेस नहीं बदलता भाई, परेशानियों के रूप बदल जाते हैं, परेशानी आएंगे, जीवन भर आएंगे, जीवन पर्यंत आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि गवर्नमेंट जॉब अंत है? नहीं, अंत नहीं है, ये जीवन जर्नी है, इसका गंतव्य ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा कभी भी, निरंतरता ही कह लो कि एक जीवन का असली सच है, उसको बनाए रखना। चलो क्लास बचा, आज का सेशन ही खत्म करते हैं अपना, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ, अमान सर आ रहे हैं, हाँ क्लास में आ गई है, आइए सर। सर पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, धन्यवाद सर, इस पोस्ट के लिए। ये लो सर, आप इसमें बोलो, ज़्यादा अच्छी आवाज़ आएगी। देखो बच्चों, अपना काम करते हुए सिलेक्शन लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे अब्दुल कलाम जी का कथन है कि पहली सफलता एक तुक्का हो सकती है, तो आपको दूसरी सफलताएं भी जल्दी लेनी है। उस केस में थोड़ी सी तबीयत खराब सी लग रही है, उस केस में जो बात कहते हैं ना कि बार बार सफलता लेके अपने आप को प्रूफ करना, वो हमारे विक्की सर ने प्रूफ किया है। और सर के लिए एक शेर है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, दयारे इश्क में मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। अगर खुदा फितरत शिनाख्त दे तुझको, अगर खुदा फितरत शिनाख्त दे तुझको, ला लहू से कलाम पैदा कर। मेरा तरीका अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीका अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और ये विक्की सर ने किया है, धन्यवाद सर, बेहतरीन शायरी के लिए। मुझे कुछ सब बड़े भारी से समझ नहीं पाया ना, बट मैं उनको गूगल करूंगा। और रही बात भाई की, बात रहे कि थैंक यू सर, हाँ धन्यवाद सर, तो अमान सर का, उन्होंने इतनी अच्छी बात है कि एकदम से क्लास में आ गए थे, क्लास 3 के पीछे। साथ में बात यह है कि भरोसे की, तो हाँ मुझे हर एक बच्चे में भरोसा है, क्योंकि जिस सर ने अभी कलाम सर का नाम लिया, मैं कैसे भूल जाऊँ उनका नाम लेना, क्योंकि बड़ा प्रेरित किया उन्होंने मुझे। मैंने मेहनत सीखी तो कलाम सर से सीखी है, मैंने सब्र सीखा है तो MS धोनी से सीखा है, मैंने निरंतरता सीखी है तो मैंने दशरथ मांझी से सीखी है। मुझे अपने हर एक बच्चे में अब्दुल कलाम दिखता है, मुझे अपने हर एक बच्चे में दशरथ मांझी दिखता है, तो मैं कैसे भरोसा न करूँ सब पर। और मुझे भरोसा है वो एक दिन चेंज करेंगे, सब कुछ करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और बहुत सारे बच्चों ने किया भी है, करते भी आ रहे हैं, आप लोग भी करोगे। और चाहे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में नहीं, आप जिस भी फील्ड में जाओगे, अगर आपने 7-8 महीने मेहनत कर ली ईमानदारी से, इसके बाद आप जिस भी फील्ड में जाओगे उस फील्ड में कुछ ना कुछ बेहतर जरूर करोगे, ये मेरा आपसे वादा है, अगर आपने 3 गुण अपने अंदर लिया है तो। चलिए बच्चों, ये सेशन ओवर करते हैं, थैंक यू वेरी मच एंड वाइंड अप फॉर द डे, होप कि आप लोग अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।